गाड़ियों को रेंट पर लेकर दिखाने लग जाएंगे कि मानो ये मेरी गाड़ी हो जैसे। तो हेलो गाइस दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे ध्रुव भाई ने UK07 राइडर को सीधा ही रोस्ट मार दिया है। अगर आपने अभी तक उनकी वीडियो क्लिप नहीं देखी तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। लेकिन गाइस उससे पहले फटाफट आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिखता है कि कुछ लोगों को माइंडलेस एंटरटेनमेंट से भी यूनिक वैल्यू मिल जाती है, तो वो एक बड़ा ही आसान और सस्ता रास्ता अपनाने लग जाते हैं सक्सेस के पीछे भागने के लिए। एक ऐसा रास्ता जिसकी वजह से बाद में जाकर उनका डाउनफॉल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को लगता है कि देखो लग्जरी गाड़ियां देखना हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि ऑडियंस को वहां दिखता है कि एक नई चीज है, मेरे पास नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर जानने में कि ये क्या है, तो इसे देखता हूं। तो ये यूट्यूबर्स क्या करेंगे, एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां दिखाने लग जाएंगे। व्यूज आते हैं, इन यूट्यूबर्स को लगता है कि अच्छा ये तो काम कर रहा है, ऑडियंस को पसंद आता है, और लग्जरी गाड़ियां दिखाओ, एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां दिखाओ। ऑडियंस बड़ी इंप्रेस्ड है देखकर कि मेरे पास ये लग्जरी गाड़ियां कैसे आई, शो ऑफ करो, ये दिखाओ कि मेरे पास तो ये भी है वो भी है। फिर ये यूट्यूबर्स फेक करने लग जाएंगे चीजों को, गाड़ियों को रेंट पर लेकर दिखाने लग जाएंगे कि मानो ये मेरी गाड़ी हो जैसे। लेकिन नुकसान क्या है ये सब करने का, जैसे ही ऑडियंस को पता लगता है कि यहाँ पर एक फेक लाइफ दिखाई जा रही है उन्हें, असलियत में ये जिंदगी एग्जिस्ट नहीं करती, उनका सारा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। वो जो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट थी जानने की, वो सारी खत्म हो जाएगी। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, लेकिन ऐसी चीजें आपने कई बार होती हुई देखी होंगी सोशल मीडिया पर।